इस विलोम जैसे तप न जाए, जिस तरह निका बच्चा सहज नाल मां के प्यार विच मम्मी मम्मी कहता है, इवे ही जगासु ने भी गुरमंत्र का सहज विच शांति नाल अदब नाल पाधना विच प्यार नाल एकांत विच सिमरन करना है। एक क्रिया श्रद्धा पावनी अते प्यार नाल सहजे सहजे तीमी तीमी आवाज नाल गुरमंत्र दा रटन अथवा जाप करना है। वाहेगुरु अखरों ते ध्यान टिकाउना है अते अपनी ही धीमी आवाज नू अपने कानां नाल सुनना है। इस तरह करन नाल मन दीआं बिरतीआं इक नुक्ते अथवा गुरमंत्र उत्ते टिकदीआं जाणदीआं तथा अखां बंद होणदीआं तो मन बाहरला असर नहीं लगेगा। जेबा गुरमंत्र दे रटन विच रुचि रहेगी, कान गुरमंत्र की अपनी ही आवाज सुनेंगे, गुरु के भाव भगत विच मन द्रव्या रहेगा। सिमरन का एक कर्तव्य गुरमुख प्यारियों की संगत अथवा साध संगत विच सौखा हो जाता है। हरका नाम ते आइए सत्संगत मेल मिलाए, मेर साथ संगत भई केवल नाम, साध संग दिल नाम त्यागो पूरन होवे काला। सिमरन लई मंत्र की बाबत की संगत विच कई भुलेखे प्रचलित हैं, जिन्हां की बाबत खोल के विचार करन की लोड़ है। इस अस्थूल संसार विच मंत्र का प्रगटावा अखर बोली ते आवाज राही हुंदा है। प्रसादी अस्थूल आवाज के पिछे कोई सूखम आवाज कोई इनफेबल साउंड भी है। विज्ञानियों की खोज अनुसार सारिया अस्थूल चीजा भिन्न भिन्न सूखम तत्वों के सुमेल तो बनिया हुई हैं। जेकर किसी अस्थूल चीज में भी तोड़ी जाइए तो वो मॉलिक्यूल्स एटम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स दिन शक्लों में बदलती हुई सूखम थरथराहट वाइब्रेशन ताइम पहुँच जाती है, जिस विचों अत सूखम तुनी जहाँ राग प्राइमल साउंड और डिवाइन म्यूजिक पैदा होता है, जिसमें गुरबानी विच अनहद धुनी अनहद बानी नाम शब्द जा महामंत्र किया गया है। ये अनहद धुनी साजे शरीरक कन्ना नाल नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि ये त्रै गुणा तो परे इलाही मंदिर की अत सूखम आवाज अबोर बोली जां बानी है, जो कि सिर्फ अंतरात्मे अनुभव द्वारा ही सुनी जा सकती है अते अतुट सुधी भी वर्त रही है। जपजी साहब की बाणी विच सुने दिया पौंच पौड़ियां भी इसे अनहतुनी जां बानी के अनुभव द्वारा सुन दा जिक्र है। अखरी मंत्र उस सूखम इलाही मंत्र का ही प्रगटावा एक्सप्रेशन है, जाते अखरी मंत्र सतगुरु तो प्राप्त होता है तो इसमें गुरमंत्र किया जाता है। सिमरन करण की बाबत जिज्ञासा विच कई भुलेखे पाए हुए हैं। पहला सवाल यह किया जाता है कि सिमरन में कड़े शब्द जा मंत्र का जाप किया जाए। उंज तो लोगों ने रब के अनेक नाम आपो अपनी बोली विच रखे हुए हैं,
गुरबाणी विच उसले हरी राम रब अल्लाह प्रीतम आदि अनेक नामों का जिक्र है। ये सारे नाम कीर्तम हैं, सत्कार योग हैं, परमेश्वर के लायक हैं, पर जतन ले सिर्फ गुरुमंत्र ही प्रवान है। गुरुमंत्र तो कहा है वो मंत्र जो गुरु ने बख्शा होवे। गुरु को प्राप्त होया गुण करके इस शब्द जब गुरुमंत्र के पीछे गुरु की मेहर गुरु की ग्रेस डिवाइन पावर छुपी हुई होती है। गुरु खुद अंडर तरीके नाल सहायता अगवाई बख्शिश ते सफलता प्रदान करता है। गुरुमंत्र सिर्फ अक्षर ही नहीं होता बल्कि इसकी अंतरी तह विच गुरु की शक्ति ते बख्शिश काम करती है। कबीर जी ने भी लिखा है कौ कबीर अखर दोए पाक होएगा कसम ता लेगा राख। उसनू तो अखर वाला राम मंत्र उसने गुरु रामानंद ने दिता सी। मंत्र दा खसम अर्थात गुरु अपने मंत्र की आपे लाज रखता है। सानू साडे सतगुरां ने चार अखरां वाला गुरमंत्र वाहिगुरु बख्शिया है। साडा फर्ज है कि असी गुरमंत्र वाहिगुरु दा रटन करी चलिए। सतगुरु आपे सहाय होके अगवाई करेंगे ते सफलता बख्शेंगे। गुरमंत्र के अखरां विच गुरु आप गुप्त रूप विच रवे होया है। शब्द में शब्द सतगुर में शब्द शब्द में सतगुर है। निर्गुण ज्ञान ध्यान समझावे जी। इसलिए गुरु मंत्र गुरु के प्रकाश रूपी खून का प्रतीक है। उदाहरण वजो माँ दे बच्चे मोहन की सारी हो समय उसके गुण औगना दे अखर मोहन विच समाई हुई है। पर मोहन की हस्ती उसके नाम मोहन तो पर मोहन की हस्ती उसके नाम मोहन ते ही निर्भर नहीं है। सब मोहन अखर तो बगैर भी उसकी अटरी हस्ती कायम है। फिर भी मोहन अखर उसकी समुची होने का प्रतीक है। इसलिए कोई भी अखरा वाला मनोकल्पिक मंत्र जा सुनिया पढ़िया दसिया होया मंत्र मंत्र तो हो सकता है पर गुरमंत्र नहीं अखवा सकता। ऐसे मनोकल्पिक मंत्र के पीछे गुरु की अगुवाई मेहर असीस ते शक्ति काम नहीं करती। इसलिए ऐसे अपने आप मनोकल्पित जहाँ किसी होर के दसे दसाई मंत्र का रटन गुरु की शक्ति तो वांझा रहिंदा है ते सफल नहीं हो सकता। गुरमंत्र तो वही है जो गुरु पंच प्यारियां द्वारा अपनी मेहर नाल बख्शे। उसे गुरमंत्र के रटन जपन अभ्यास कमाई करने नाल ही कल्याण हो सकता है। जिस तरह माँ अपने बच्चे नू प्यार नाल याद करके मोहन कहती है तो उसके प्यार ते शुभ इच्छावां उसकी ब्लैसिंग्स दे बलबलियां दी तरंगां वाइब्रेटिंग फीलिंग्स मोहन के हृदय के किंगलियां नू दूर दुराडे जा टुंडियां हन ते माँ का प्यार ते असीसां बच्चे नू पहुँच जांदियां हन। बच्चा भी माँ के प्यार का जवाब बलबलिया वाइब्रेशन द्वारा माँ को वापस भेजता है। इस तरह दोहां धिरां विचकार प्यार भावनावां के सौदे होंदे हन। ये बलबले जितने तीखण
जितने इंटेंस होंगे उतना ही डूंगा असर दूजे पासे होता है, तो उतनी ही तीखनता विच दूजे पासे जवाब मिलता है। जिस तरह जागी बेबे नानकी ने अपने वीर गुरु नानक देव साहब ने तीखन प्यार दी बलबलिया नाल याद किया, गुरु साहब फौरन आ हाजिर हुए। इसी तरह जब असी प्यार ते श्रद्धा नाल वाहेगुरू जपते हाँ तो गुरु के हिरदे के किंगरिया टूंबते हाँ, गुरु भी उस प्यार का जवाब उस पत्थर उस वेवलेंथ तो उस की इंटेंसिटी वाले प्यार नाल मेहरां दी बख्शिशां ब्लैसिंग सानू भेजता है। इसलिए गुरमंत्र के जाप नाल सानू गुरु को सिर्फ प्यार ते असीसा ही नहीं मिलदियां बल्कि साडे हिरदे विच गुरु के इस प्यार ते असीसा सदका गुरु के सारे गुण जिवें दया खिमा प्रेम खुशी आदि सहज वाहे प्रवेश होते जाते हैं। इस तरह वाहेगुरु गुरमंत्र प्यारा ते रसदायक होता जाता है। साढ़े तन मन रूह रूह अंतिस्करण विच गुरमंत्र डूंगा तस वस रस जाता है ते सहजे सहजे गुरमंत्र का ही रूप हो जाता है। जैसा सेवे तैसो होए, कभी तू तू करता तू हुआ गुरु में रहा न हूँ, जब आपा परका मिट गया जा देखो तब तू। एक और लेखा प्रचलित है कि शब्द या मंत्र ना अगे पीछे कोई विशेषण कोई ऑब्जेक्टिव लगाए जाते हैं, जिवें कि श्री वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु एकंकार वाहेगुरु आदि। कई बहु अखर वाले मंत्र का अभ्यास भी करते हैं, जिवें राधा कृष्ण सीता राम ओम शिवा जय गोविंद। कुछ मतलब विच तां पंज शब्दां वाला मंत्र भी प्रचलित है। याद रखने वाली गल यह है कि ये गुरमंत्र केवल अखर ही नहीं होता, इसके पिछे सूखम रूप विच गुरु की अपनी हो आप रूह जो प्रेम रस नजर करम छुपी होती है। श्रद्धा पावनी अति प्यार नाल गुरमंत्र का अटुट अभ्यास करते हैं। श्रद्धा पावनी अति प्यार नाल गुरमंत्र का अटुट अभ्यास करद्या सहजे ही इस गुरमंत्र वाहेगुरु के अक्षर खुलते खुलते खिलते खिलते सूखम रूप में बदल के प्रकाश रूप तत्व रूप रस रूप नाम होके इलाही तरंगा वाइब्रेशंस रून चुन अनहद चुनकार इलाही नाम डिवाइन म्यूजिक विच बदल जाता है। जिवें कि भगत कबीर जी ने कहा है, ये अक्षर के जाएंगे और अक्षर इनमें ना है। अभ्यास करने ले एक अखरी मंत्र जहाँ एको लफ्ज वाला मंत्र सौखा जपया जाता है, तो एक अखरी मंत्र खोल के फिर के सूखम रूप धार लेता है। बहुत ही लफ्जा वाला मंत्र जा किरना जा खुलना कठिन है। एक अखरी गुरमंत्र का अभ्यास है जो ही सफल हो सकता है। गुरबाणी भी इस गल की इं प्रोटना की गई है, एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सही। मंत्र छोटे तो छोटा चंगा है, इस अखर को अपने हृदय बसा लो ते अपने नित्य कमां काजां विच नाल नाल रखो ते अपने जीवन विच ढाल लो।
जे कोई शंका संकल्प विकल्प आवे ता इसे एक अखर नाल ही उसका हल लभो। इस एक अखर का इतना रटन जाप सेवन करो कि तुहाडे तन मन हिरदे अंतिशकरण विच ये अखर गुरु मंत्र दस वस्त रस जावे ते तुहाडे अंदर भी सुनन लग पवे। तुहाडा आपा जा होन भी इस मंत्र का इस्तेमाल करो। नाम जपन ले सब तो उत्तम समा अमृत वेला है। चालागे उस नाम जप निष्वासर आरा गुरबानी दे इस हुकम अनुसार प्रभाव वेला सिमरन ले सब तो उत्तम है। पर नाल ही प्रेरणा की है निष्वासर आरा इसे तरह गुरबानी विश थां-थां सानू तकीदी हुकम है चलत बैसत सोवत जागत गुरमंत्र रिदेशतार उठत बैठत सोवत जागत हर त्याहिये सगल अवरदा जियो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो अर्थात हर वक्त सदा पल पल निमक निमक हर हालत विच हर वेले काम काज करदिया खांदे पींदे जागदे सौंदे उठदे बहिंदे तुरदे फिरदे सदा सिमरन करन दा उद्देश दृढ़ कराया गया है। सिमरन अभ्यास की एक कारना अति कठिन है। आखन औखा साचा नाओ पर बख्शे हुए गुरमुखां की संगत विच सहज ही मन जुड़ता है तो सिमरन की कालना सौखी हो जाती है। साध के संग नई पुरस्कार दर्शन पेटित हो निहार कर साध संगत सिमर माधो हुए पतित पुनीत जब पिछले संस्कार द्वारा पूर्व कर्म बरतते हैं तो सच्ची सच्ची सत्संगत अथवा सात संगत प्राप्त होती है और जिज्ञासु की आत्मा जाग पैंदी है। जब पिछले संस्कार द्वारा पूर्व कर्म बरतते हैं तो सच्ची सच्ची सत्संगत अथवा सात संगत प्राप्त होती है और जिज्ञासु की आत्मा जाग पैंदी है। सह सुभाए उसका अटुट सिमरन चालू हो जाता है कि वो वडभागा हो जाता है। पूर्व कर्म अंकर जब पटे पेत्यो पुरख रसिक वैरागी मिट्यो अंधेर मिलित नानक जन्म जन्म की सोई जागी कृपा करे जिस पार ब्रह्म हो वह साधु संग ज्यो ज्यो वो गुजारिए क्यों तू हर्ष मना। हाँ जी कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यो ज्यो वो गुजारिए त्यों त्यों हर्ष मना। वर्ग जगह वाहिगुरु जी की फतेह।